गुड स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू फॉर क्लास 10 मतलब साइंस 10 बैच है। आज साइंस 11 स्टार्ट किया है। 11 में है कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देख लीजिए। इसमें निकाला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। निकला साइन को, कॉस के, टैन के, कोसेक के, सेक के, कोट को सबको निकालना है। ये पैटर्न बता रहा है, पैटर्न को आप लोग समझ लेंगे इजी वे में आपसे बच जाएगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ थीटा सोचिए, थीटा में क्या है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सो कर दिए। उसमें लिख दिए थीटा में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। यहाँ नंबरिंग कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर दिए। टोटल नंबरिंग में जो है 0, 1, 2, 3, 4 में 4 से डिवाइड कर दिए, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 सारा को रूट लगा दिए। सारा में रूट लगा देंगे तो रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4 इसी पैटर्न पर यह लिख लेंगे। अगर फर्स्ट है देखना है 0 डिग्री तो 0/4 है, 0/4 तो 0/4 क्या आता है 0, उसका स्क्वायर रूट 0 आ गया। 1/4 है, 1/4 1/1 और 4/2 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 2 × 4 कट हो गया, ऊपर आ गया 1 1/2 1 और 2 √ नहीं लिखा तो रूट अंडर 2 तो साइन 45 डिग्री 1/2 3 √ नहीं लिखा तो रूट 3 और 4 का क्या हो गया 2 तो रूट 3/2 साइन 60 डिग्री रूट 3/2 4 × 4 कट हो गया तो 1 हो गया तो 1 √ 1 तो साइन 90 डिग्री। कॉस निकालेंगे, कॉस निकालेंगे तो साइन का उल्टा कर देंगे, साइन का अपोजिट कर देंगे, साइन क्या करेंगे अपोजिट, वो 90 होगा 0 चलेगा, 60 30 में आएगा, 45 में आएगा, 30 डिग्री 60 में जाएगा और 0 डिग्री 90 जाएगा। तो देखिए यहाँ 1 है तो 1 आ गया, रूट 3/2 है रूट 3/2 आ गया, 1/2 मिडिल में है तो 1/2, 1/2 है तो 1/2 आ गया, 0 है तो 0 आ गया। तो कॉस निकाले साइन उल्टा कर दिए। टैन निकालेंगे तो टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या निकालिए। अब टैन का वैल्यू क्या है, टैन कहे तो साइन बाई कॉस, साइन के वैल्यू अब कॉस के वैल्यू डिवाइड करेंगे 0/1 तो 0/1 कितना होगा 0, किसी में 0 में डिवाइड करते हैं 0 हो गया, 0/1 था 0। अब 1/2 है और 3/2 है तो 2 × 2 कट हो गया तो 1/3 आ गया, रूट 3 √ कट हो गया तो 1 आ गया, 2 × 2 कट हो गया तो रूट 3 हो गया। अब 1/0 अब किसी को डिवाइड करेंगे डिजिट में 0 से इनफिनिट तक, क्या था इनफिनिट इनफिनिट हो गया। कॉस निकालेंगे, कॉस तो साइन का इनवर्स करेंगे, साइन का इनवर्स 0 का इनवर्स होता है इनफिनिट, 1/2 का इनवर्स 2, 1/2 का इनवर्स रूट 2, रूट 3/2 का इनवर्स 2/3, 1 का इनवर्स 1। टैन के करेंगे सेक थीटा तो कॉस का इनवर्स करेंगे, 1 का इनवर्स 2 होगा, रूट 3/2 का इनवर्स 2/3, 1/2 का तो रूट 2, 1/2 का तो सेक 2 और 0 का इनवर्स। कॉट से करेंगे तो टैन का इनवर्स करेंगे, टैन का तो 0 का इनवर्स 9, 1/3 का इनवर्स रूट 3, 1 का 1/1 का 1 होगा, 1 का 1 होगा, 1 का 1, रूट 3 का 1/3, इनफिनिट का 0। यह फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा, कुछ पुस्तक शुरू किए हैं, पुस्तक शुरू किए हैं 1 और 5। तो 1 में दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, और जितना वैल्यू है वैल्यू को पुट करेंगे, साइन 60 डिग्री तो साइन 60 का रूट 3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री तो कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई के एक्टिविटी करेंगे तो रूट 3 √ 3 तो 3 × 2 = 4, 1 × 1 और 2 × 4 4 × 4 तो 3 + 1 तो 4/4 कट हो गया 1। 5 नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री।
सर का फल डालेंगे तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 63, तो कॉस 63 का मतलब क्यों होता है स्क्वायर 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 का स्क्वायर देंगे क्यू होता है क्यू देंगे पावर फोर तो पावर फोर देंगे उतना में मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम 45 डिग्री तो 1 का स्क्वायर साइन 30 डिग्री तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री तो 2/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर तो 4 2 2 4 इंटू 4/3 1/4 प्लस 3/4 यह जो है अप और डाउन दोनों है अप और डाउन तो अप को अप में सॉल्व करेंगे या डाउन को डाउन में सॉल्व करेंगे अप को अप में सॉल्व करेंगे और डाउन को डाउन में सॉल्व करेंगे तो 5/4 16/3 1/1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 4 3 1 का एलसीएम कितना का 2/2 तो 4 3 जाए 5 15 3 4 जाए 64 या 64 माइनस 12/12 4 4 4 1+3 तो 50 प्लस 64 से 2 माइनस करेंगे तो 52/12 4/4 4 से 4 कट हो गया 76/12 76/12 भी छोड़ सकते हैं उसको होल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो होल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 होल 7/12 एक्सरसाइज 11 के 1 और 5 को जब सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम्पल आती एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे उसके बाद यह जो है फॉर्मूला को जो है एक्सप्लेन कर दिए फॉर्मूला को आप लोग देखेंगे और फॉर्मूला को अपने दिमाग में सेट रखेंगे माइंड में सेट रखेंगे उसी पर टोटल जो है निकलने वाला है तो आप लोग जहाँ तक बनेगा वहाँ तक बनाएंगे और इसमें से जो हार्ड है कुछ लोग बताएंगे और एक्सरसाइज को फिट कर लेंगे और सुने हैं 30% सिलेबस में जो है सरकार की तरफ से कटौती की गई है वो देखते हैं सिलेबस क्या क्या कटौती की है उसी का सर पढ़ाएंगे थैंक यू वेरी मच।